नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बैंकर सक्सेस में। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंक, एसएससी और रेलवे से जुड़ी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज अपने बात करने जा रहे हैं सिंडिकेट बैंक पीओ की, जो ऑफिशियल कट ऑफ रिजल्ट आउट हो चुका है और आई है उसके बारे में। तो चलिए ऑफिशियल कट ऑफ देखते हैं और अपनों ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था उससे कितनी डिफर करती है वो चीज़ भी देखते हैं। चलिए देखिए जी, ये ऑफिशियल कट ऑफ है जी सिंडिकेट बैंक पीओ की। देखिए जनरल कैटेगरी की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो जो ओवरऑल कट ऑफ है जी जनरल कैटेगरी की 200 में से 109 नंबर है। और हमने जो ओवरऑल कट ऑफ बताया था जनरल कैटेगरी 106.75 बताया था, यानी मैंने आपको बोला था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब क्या होता है, +2 या -2। जब 106 बताया तो यहाँ पे 109 आई है, यानी 2 या 2.5 नंबर का फर्क आया है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि +2 या -2 के बीच में कट ऑफ डिफर करती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। बाकी कैटेगरीज देख लीजिए, एससी कैटेगरी देख लीजिए, एससी की 93 नंबर है, एसटी की 81.75, ओबीसी की 106 नंबर है। ये है जी 200 में से ओवरऑल कट ऑफ। एचआई की 47.75, ओसी की 97.50, बीआई 98.75, आईडी की 79.75। तो ये कट ऑफ है जी ऑफिशियल ओवरऑल। और देख लीजिए सभी की कट ऑफ जो मैंने आपके बताई थी, यानी रीजनिंग की देख लीजिए जर्नल की 18.25 और बाकी सभी की 13.75। यानी पीजीडीएफ एग्जाम के अंदर क्या होता है कि बाकी सारों की कट ऑफ ओबीसी एससी एसटी की सेम होती है, सेक्शनल कट ऑफ सेम होती है, पर ओवरऑल कट ऑफ चेंज होती है, पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अलग से होती है। देख लीजिए सभी की सेक्शनल कट ऑफ सेम है, सिर्फ जनरल को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश की 6.5 नंबर है, जनरल की 10.25 है, जनरल अवेयरनेस की 6 नंबर है, क्वांट एप्टीट्यूड की 11.75 है, और ये डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ है जी 50 में से 22.5 नंबर कट ऑफ गई है, और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई है 25 नंबर गई है। तो आप हमारा जो वीडियो है वो जरूर देखिए एक बार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। हर एग्जाम से पहले अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे सिंडिकेट बैंक पीओ हो, चाहे कैनरा बैंक पीओ। कैनरा बैंक पीओ की भी कट ऑफ मैंने बताई थी तो स्टीक कुछ इसी से मिलती जुलती, यानी +2 या -2 का ज़्यादा फेर नहीं होता, +2 नंबर या -2 नंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता जी। क्योंकि +2 या -2 का कह होता है कि अपने एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते। एग्जैक्ट क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अपने कोई आईबीपीसी या सिंडिकेट बैंक पीओ के ऑफिशियल थोड़ी हैं जी एकदम से एग्जैक्ट बता देंगे। यानी +2 या -2 नंबर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता कट ऑफ के अंदर। तो कैनरा की भी अपनी सेम कट ऑफ थी, लगभग 1 या 2 नंबर का फर्क था, और सिंडिकेट की भी सेम आ रही है, 1 या 2 नंबर का फर्क आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ऐसी अपनी कट ऑफ सही होती रहे और आपको सहायता मिलती रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंकिंग एसएससी और रेलवे से जुड़ी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और सिंडिकेट बैंक पीओ का जो एग्जाम रिव्यू और एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ का वीडियो वो जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, और वीडियो जब ये खत्म होगी तो उसके लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।